हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएमए इंटरमीडिएट कोर्स में से कॉस्ट अकाउंटिंग मॉडल में से ओवरहेड चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 का क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। कि हमको क्वेश्चन के अंदर 5 आइडेंटिकल मशीन दिए हुए हैं एंड हमको मशीन आवर रेट फॉर वन मशीन फाइंड आउट करना है। इसके लिए इंफॉर्मेशन के अंदर दिया हुआ है कि स्पेस ऑफ डिपार्टमेंट है 10,000 स्क्वायर मीटर्स, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन वो है 2,000 स्क्वायर मीटर्स एंड कॉस्ट ऑफ मशीन है 20,000 रुपीज़, कैप वैल्यू ऑफ मशीन है 300 रुपीज़, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन है 13 ईयर्स, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 7.5% से एंड नॉर्मल रनिंग ऑफ मशीन ये है मशीन आवर्स 2000 आवर्स। इसके बाद में पावर कितना कंज्यूम करता है वो भी दिया हुआ है पर एनम 3000 रुपीज़ का। एस्टिमेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन दिया हुआ है 5,200 रुपीज़। सेंडरी सप्लाइज है हमारे पास 600 रुपीज़ पर एनम। इसके आगे अदर एक्सपेंस भी दिए हुए हैं कि रेंट एंड रेट्स हमारे पास है 9,000 रुपीज़। लाइटिंग के लिए कुछ लिखा हुआ है कि टू बी अपोर्शन अकॉर्डिंग टू वर्कर एम्प्लॉयड वो है 400 रुपीज़। सुपरविजन है 1,250 रुपीज़ एंड अदर चार्जेस है 5,000 रुपीज़। इसके आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इट इज़ असर्टेन दैट द डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड बाय द मशीन इज 2/5 एंड 3/5 बीइंग डिवोटेड टू अदर मशीन। कि इसका मतलब है कि ये मशीन के लिए हमको सुपरविजन का जो भी कॉस्ट है उसका हमको 2/5 ही लेना है। एंड इसके आगे लिखा हुआ है कि देर आर 16 वर्कर इन द डिपार्टमेंट ऑफ होम 4 अटेंडेड टू द मशीन एंड रिमेनिंग टू अदर मशीन। तो यहाँ पे हमको लाइटिंग का जो भी एक्सपेंस है उसके लिए हमको वर्कर एम्प्लॉयड के हिसाब से पोर्शन करना था। तो इसके लिए हमारे पास जो ए मशीन के हम जो मशीन ओवर रेट फाइंड आउट करने वाले हैं इसके लिए हमारे पास 4 वर्कर एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे हम 4/16 लेंगे। चलिए मशीन ओवर रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए हमको स्टैंडिंग चार्जेस एंड मशीन एक्सपेंस का टोटल करेंगे तो हमको मशीन ओवर रेट मिल जाएगा। तो स्टैंडिंग चार्जेस कैसे फाइंड आउट करें उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन आते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमको रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग, सुपरविजन एंड अदर चार्जेस की इन्फॉर्मेशन हमको पुट करने की है। तो रेंट एंड रेट्स कैसे फाइंड आउट करें, रेंट एंड रेट्स हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 9,000 पर ये तो पूरे डिपार्टमेंट के लिए है। हमको केवल मशीन ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाइड की है उसका ही हमको रेंट एंड रेट्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम 9,000 इंटू 2,000 डिवाइड बाई 10,000 करेंगे। ये है 2,000 जो मशीन ने 2,000 स्क्वायर मीटर है ये मशीन ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाइड की है वो है एंड पूरे डिपार्टमेंट का स्क्वायर मीटर है 10,000। इसलिए हमने 9,000 इंटू 2,000 डिवाइड बाई 10,000 किया हुआ है। इसलिए हमको रेंट एंड रेट्स का एक्सपेंस मिल जाएगा 1,800 रुपीज़। अब हम लाइटिंग की बात करें, लाइटिंग के कॉस्ट हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 400 रुपीज़ एंड इसके साथ है इस लाइटिंग के कॉस्ट को ऑपरेशन करने के लिए वर्कर जितने एम्प्लॉय है उस प्रकार से हमको इसका कॉस्ट ऑपरेशन करना है। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है कि 16 वर्कर एम्प्लॉयड है इन द डिपार्टमेंट आउट ऑफ विच 4 अटेंड टू द मशीन। तो इसलिए हमको यहाँ पे हमको केवल 4 वर्कर के वर्कर ही यहाँ पे लेने हैं। इसलिए हम 4/16 करेंगे, 400 इंटू 4/16 करेंगे तो हमको लाइटिंग का एक्सपेंसेस मिल जाएगा 100 रुपीज़। अब हम सुपरविजन के कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हमको 1,250 रुपीज़ कॉस्ट दिया हुआ है। इसके लिए साथ में हमको दिया हुआ है कि भाई ये पर्टिकुलर मशीन के लिए डिग्री ऑफ सुपरविजन रिक्वायरमेंट है 2/5। तो इसके लिए हम 1,250 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सुपरविजन की कॉस्ट मिल जाएगी 500 रुपीज़। अब हम अदर चार्ज की बात करेंगे। साथ में यहाँ पे हमको 5,000 रुपीज़ दिया हुआ है पर ये पूरे 5 आइडेंटिकल मशीन के लिए है।
इसलिए हमको 5000 × 1/5 करेंगे, हमको केवल वन मशीन के लिए फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पर्टिकुलर वन मशीन के लिए अदर चार्जेस मिल जाएगा 1000 रुपीज़। ये चारों एक्सपेंस का हम टोटल करेंगे तो हमको स्टैंडिंग चार्जेस मिलेगा 3400 रुपीज़। इसको हम मशीन आवर से डिवाइड करेंगे, मशीन आवर हमारे पास है 2000 आवर्स, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमको स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर मिल जाएगा 1.70 रुपीज़। अब हम आगे बात करेंगे मशीन एक्सपेंस कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए इसके अंदर हमको डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड सेंट्रल सप्लाईज की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन का चार्ज कैसे फाइंड आउट करें वो देख लेते हैं। हमारे पास कॉस्ट ऑफ मशीन है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 20,000, इसका हम 7.5% करेंगे। ये डेप्रिसिएशन चार्ज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका हम 7.5% करेंगे तो हमको डेप्रिसिएशन की कॉस्ट मिल जाएगी। इसको हम 2000 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो हमको पर आवर कितना डेप्रिसिएशन हमारा कॉस्ट आता है वो मिल जाएगा 0.750। अब हम आगे बात करेंगे पावर के एक्सपेंस के बारे में। हमको पावर का एक्सपेंस पर एनम दिया हुआ है 3000 रुपीज़, इसको हम डायरेक्टली 2000 आवर से डिवाइड करेंगे तो हमको पर आवर पावर का एक्सपेंस मिल जाएगा 1.50 रुपीज़। अब हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे तो हमको 5200 रुपीज़ दिया हुआ है, ये पूरे मशीन की लाइफ के लिए दिया हुआ है। हमारे मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ है 13 ईयर्स, तो 5200 को 13 ईयर से डिवाइड करेंगे एंड इस तो हमको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट मिल जाएगा। इसको हम 2000 आवर से डिवाइड करेंगे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पर आवर रेट हमको मिल जाएगा 0.20 रुपीज़। अब हम आगे बात करेंगे सेंट्री सप्लाईज के लिए, इसके लिए हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 600 रुपीज़ पर एनम, इसको हम डायरेक्टली 2000 आवर से डिवाइड करेंगे तो हमको सेंट्री सप्लाईज पर आवर मिल जाएगा 30 पैसे। ये चारों चीज़ों का टोटल करेंगे तो हमको मशीन एक्सपेंस मिल जाएगा पावर 2.75 रुपीज़। हमने स्टैंडिंग चार्जेस फाइंड आउट किया था, वो आया था 1.70 पर आवर एंड मशीन एक्सपेंस हमको मिला हुआ है 2.75 रुपीज़ पर आवर। ये दोनों का ऐड करेंगे तो हमको मशीन आवर रेट मिल जाएगा 4.45 रुपीज़ पर आवर। ये हमारा मशीन आवर रेट मिल गया है। तो आप इस प्रकार से इलस्ट्रेशन नंबर 8 सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।